आज की रेसिपी बिना प्याज टमाटर अदरक लहसुन की है। नॉर्मली हमारे यहाँ भी इन बेसिक इंग्रेडिएंट के साथ खाना बनाया जाता है, लेकिन काफ़ी सारे लोग हैं जो अदरक लहसुन को अवॉइड करते हैं। लेकिन यकीन मानिए फ्रेंड्स, इन चीज़ों के बिना भी सब्जी एकदम लाजवाब बनती है। इस सब्जी को खाने के बाद आपको एक बार तो भंडारे वाली और लंगर वाली सब्जी की याद ज़रूर आएगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मीनल और आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। चलिए तो देखते हैं इस रेसिपी में ऐसी क्या खास बात है। सबसे पहले हम 1/4 कप चने की दाल और 1/4 कप कच्ची मूंगफली को 1 घंटे के लिए पानी में भिगो के रख देंगे। इस वीडियो को बिना स्किप किए देखना फ्रेंड्स, वरना आपसे कुछ इंग्रेडिएंट मिस हो सकते हैं और आपकी सब्जी वैसी नहीं बनेगी जैसी बननी चाहिए। यहाँ मैंने पानी को गर्म होने रख दिया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे भीगी हुई चने की दाल और भीगी हुई मूँगफली। ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक और ढककर पका लेंगे इतना कि 90% तक कुक हो जाए। दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे 2 गड्डी पालक की ली हुई है, जिसे मैंने अच्छे से साफ कर लिया और अब इसे हम अच्छी तरह धो लेंगे। अच्छी तरह धो लेने के बाद अब मैं इसे बारीक बारीक काट लेती हूँ। यहाँ मैंने पैन को गर्म होने रख दिया है। ऐड करूँगी 2 चम्मच तेल, 1/2 चम्मच राई, 1/4 चम्मच मेथी दाना, 1/2 चम्मच हींग और 2-3 कटी हुई हरी मिर्च। अब 1 मिनट तक हम इसे अच्छे से चलाएंगे। ध्यान रखें फ्रेंड्स, कुछ भी चीज़ जलनी नहीं चाहिए। अब इस स्टेज पे ऐड करेंगे हम 1/2 चम्मच हल्दी और मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम ऐड करेंगे कटी हुई पालक और ढककर 5 मिनट तक हम इसे मीडियम फ्लेम पे पकने छोड़ देंगे। यहाँ पे 5 मिनट हो चुके हैं फ्रेंड्स। ढक्कन हटा के इसे 1-2 बार चला लेंगे और आप देख सकते हो कि पालक अपना पानी छोड़ चुका है। और अब इस स्टेज पे हम ऐड करेंगे 1.5 चम्मच बेसन। अच्छी तरह मिक्स करके इसे ढक के छोड़ देंगे काफ़ी देर के लिए, ताकि पालक के पानी में बेसन पक जाए। ढक्कन हटा के देख लेते हैं कि हमारा बेसन पका है या नहीं। जी हाँ, ये अच्छी तरह पक चुका है। अब इस स्टेज पे हम ऐड करेंगे मुंबई का स्पेशल गोरा मसाला। ये बहुत ही स्पेशल मसाला है जो आमतौर पर महाराष्ट्र में यूज़ किया जाता है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसमें बेसिक मसाला डाल सकते हैं, जैसे धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और गरम मसाला। मसाला डालने के बाद हम इसे ढककर 5 मिनट और पका लेंगे, इतना कि सारा मसाला पक जाए। थोड़ी देर बाद हम देख सकते हैं कि मसाला अच्छे से पक चुका है। अब इस स्टेज पे हम ऐड करेंगे बॉईल की हुई चने की दाल और मूंगफली, और साथ ही में हम ऐड कर लेंगे 2 टेबल स्पून चम्मच भर के इमली का पानी। ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक और पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि इमली का फ्लेवर अच्छी तरह इस सब्जी में उतर जाए। यहाँ पे मैं थोड़े से गुड़ को घिस ले रही हूँ फ्रेंड्स, जो कि हमारी सब्जी को और भी बढ़िया स्वाद देगा। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट, जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अब इस स्टेज पर आप थोड़ा सा पानी मिलाकर ज़रूरत के हिसाब से कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पानी नहीं मिला रही हूँ, क्योंकि मेरे लिए ये कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। अक्सर हम लेडीज़ लोग के साथ, स्पेशली वर्किंग वूमेन के साथ ऐसे होता है कि हम किचन में खाना बनाने तो जाते हैं, लेकिन देखते हैं कि कभी प्याज नहीं है, कभी लहसुन अदरक नहीं है और कभी कभी तो कुछ भी नहीं है। तो ऐसे वक्त आपको ये रेसिपी बहुत काम आ सकती है। बढ़ते हैं आगे और ऐड करेंगे इसमें हम 1 टेबल स्पून भर के गुड़, जो कि इस रेसिपी का स्पेशल और आखिरी इन्ग्रीडियंट है। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और फाइनली ढक के रख देंगे और 5 मिनट के लिए। लीजिए फ्रेंड्स, हमारी यम्मी सब्जी बनके बिल्कुल तैयार है, जो कि बिना प्याज लहसुन के बनी है। आइए तो इसे सर्व करते हैं। देखकर ही आ गया ना मुंह में पानी, तो इंतजार किस बात का। आज ही बनाइए इस रेसिपी को और एंजॉय कीजिए गर्मा गर्म पराठे और रोटी के साथ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।